नमो नारायण मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जे नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में स्पेशल राशि को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जे नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में अनुकूलता की कमी बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन दोनों की अपने अपने जीवन में जो इनकी मानसिकता होती है, जो इनकी सोच होती है, वो एक दूसरे से अलग होती है। एवं इस नाम के जो भी जातक होते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी की बातों से, अपने जीवन साथी के विचारों से ज्यादा सहमत नहीं होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने अपने विचारों को, अपने अपने दृष्टिकोण को बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में आपसी तनाव, आपसी मनमुटाव बहुत ज्यादा होता है। वैसे इसके अलावा यदि जे नाम वालों की बात करें तो जे नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बेहद शांत होते हैं, बेहद गंभीर होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं, क्योंकि इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा धैर्यवान होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम की सकारात्मक बातें, उस काम की नकारात्मक बातें, दोनों बातों पर बहुत ज्यादा विचार करते हैं एवं दोनों बातों पर विचार करने के बाद ही कोई भी फैसला करते हैं। वैसे इसके अलावा यदि डी नाम वालों की बात करें तो डी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा हठीले, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जिद को, अपने हठ को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने जिद के सामने में किसी और इंसान के विचारों को, किसी और इंसान के भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में आपसी परेशानी बहुत ज्यादा होती है। मित्रों, जे नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में स्पेशल राशि को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय बाबा भैरव आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।